बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बच्चों, हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं, एयर अंदर चली जाती है, एयर के साथ हम क्या सलूक करते हैं, एयर अंदर लेके जाने का प्रोसेस क्या है, सांस अंदर खींच लिया, एयर चलेगी। आज हम इसको पढ़ेंगे, सांस अंदर पहुंचा कैसे, उस एयर के साथ हमने किया क्या, रिटर्न में उस एयर को हमने कैसा चेंज किया, और एयर एक्सहेल कैसे, मतलब कि आज हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पढ़ने लगे। सांस अंदर कैसे हम लेके जाते हैं, सांस बाहर कैसे निकालते हैं। इसको पढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं ब्रीदिंग, ऐसी है? हम एक टर्म यूज करते हैं ब्रीदिंग, एक टर्म हम यूज करते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, या फिर रेस्पायरेशन कर ले चले। ठीक है, मैं आपसे पूछना यह चाह रहा हूं कि ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन, इन दोनों में फर्क क्या है? कोई आप में से मुझे बता सकता हो कि ब्रीदिंग में और रेस्पायरेशन में क्या फर्क है? बच्चे, जो ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग ये एक फिजिकल प्रोसेस है, और ये ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हमने सिर्फ एयर को आउटसाइड टू इनसाइड बॉडी लेके जाना है, एनवायरनमेंट से एयर को इनसाइड द बॉडी लेके जाना है, लंग्स तक गैसेस एक्सचेंज होने के बाद। क्या मतलब? ऑक्सीजन बॉडी को देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से गैस वो लेगी, एयर लेगी, लंग्स उस एयर को वापिस बाहर एक्सहेल आउट कर देंगे। ये एक फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसका काम सिर्फ कितना है कि एयर को बॉडी के अंदर लेके जाना, गैसेस एक्सचेंज होना, उसके बाद एयर को वापस बाहर निकाल देना। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चे रेस्पिरेशन पे, जबकि रेस्पिरेशन बच्चे बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन असल में क्या चीज है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो। एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ऐसी टाइप है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है बच्चे, अब रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हमने तोड़फोड़ करनी है, किसकी, ग्लूकोज की तोड़फोड़ करनी है, एटीपी उससे हमने हासिल करना है, एनर्जी हासिल करनी है। जबकि ब्रीदिंग एक सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हमने एयर को इनहेल करना है, गैसेस एक्सचेंज के बाद उसको एक्सहेल कर देना है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब टॉपिक में आगे चलने से पहले वर्ड बाय वर्ड बुक से भी रीड करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको थोड़ा इंट्रो देना चाह रहा हूँ कि आज हम किस किस तरफ स्टेप वाइज जाएंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे। अब बच्चे आगे बात आ जाती है, जो मेन चीज हमें पता होनी चाहिए, डायफ्राम। हम एक इधर वर्ड यूज करेंगे, डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या चीज है बच्चे? हमारे लंग्स नीचे डायरेक्टली, मैं आपको पिक्चर पर लेके जा रहा हूँ। आज अगर आप ये पिक्चर देख लें, ये आपको समझ आ जाए, जो हमारी स्लाइड पे पिक्चर बनी हुई है, अगर हमें याद समझ आ जाए तुम्हारा काम ठीक है। बच्चे डायफ्राम लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, जिसका ब्रीदिंग में बड़ा अहम किरदार है। अगर डायफ्राम नहीं है तो हमारी ब्रीदिंग कंप्लीट नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है डायफ्राम का, ठीक है। इसकी शक्ल होती है बच्चे गुंबदनुमा, इसको हम कहते हैं डोम शेप। डायफ्राम की शेप कैसी होती है? गुंबदनुमा, डोम शेप, ठीक है। हमारे जो चेस्ट के अंदर का पोर्शन है, इसको हम कैविटी कहते हैं, इसको हम थोरेसिक कैविटी भी कह देते होते हैं, चेस्ट कैविटी भी कह देते होते हैं, ये हम एक वर्ड यूज करेंगे। उसके अलावा मेनली बाकी रिब्स, और इसका आप लोगों को पता है, एक कॉमन चीज है, इनका पता है। अब जिसके ऊपर गुंबद बने होते हैं ऐसे, जो हमारा डायफ्राम है इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसे होती है, डोम शेप्ड। अब हम चलते हैं बच्चे इनहेलेशन की तरफ और एक्सहेलेशन की तरफ। स्लाइड में आप लोगों को खोल के रख लो, साथ साथ रीड करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। आपने सिर्फ डायग्राम पे गौर करना है, आपको सब समझ आएगा इंशाल्लाह। जी बच्चे, वो कहता है द फिजिकल मूवमेंट, नो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट। वो कहता है द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विथ गैशियस एक्सचेंज इज कॉल्ड ब्रीदिंग। वही मैंने कहा था, एक फिजिकल प्रोसेस है
आगे मैं बताएगा कि एयर इनटेक करना और एयर को आउट ऑफ बॉडी एक्सहेल करना एक फिजिकल मूवमेंट है। किस चीज के लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। करना क्या है? एनवायरमेंट से एयर को बॉडी के अंदर लंग्स तक लेकर जाना और लंग्स से गैसियस एक्सचेंज के बाद उस एक्सपायर्ड एयर को, उसको मैं एक्सपायर्ड एयर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो उस एक्सपायर्ड एयर को हम अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू और विंड पाइप के थ्रू। कल हमने एयर पैसेज भी पढ़ा था ना, एयर पैसेज भी हमने क्या लास्ट लेक्चर में देखा था कि नेजल कैविटी से लेके एल्वोलाई तक का जो सफर है उसको हम द एयर पैसेज भी कहते हैं। बच्चे आगे चलते हैं, कहता है इसकी दो फेजेस हैं ब्रीदिंग के, एक को कहता है इंस्पायरेशन और इनहेलेशन और दूसरे को कहता है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। अब हम बच्चे इनहेलेशन को पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या चीज होती है, अब हम इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे और समझेंगे। वो कहता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, मतलब कि ये वो सिचुएशन है, ये वो टाइम है जब हम अपना सांस बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, मतलब हम एयर एनवायरमेंट से अपनी बॉडी के अंदर अपने लंग्स तक लेके जाने की कोशिश करने लगे हैं, ट्राई करने लगे, हम लेकर जाएंगे। द रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, हमारी जो रिब्स हैं इनके साथ मसल अटैच हैं, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने के रिएक्शन में क्या होता है वो आगे मैं बता रहा है कि हमारी जो रिब्स है ना वो रेज हो जाएंगी, वो आगे मैं बताने लगा। वो कहता है द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए एंड रिब्स आर रेज्ड। मैं इसमें थोड़ी सी बात का एडिशन करूंगा, बच्चे दो काम होते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं ना, दिखेगा आप भी खुद ट्राई करके भी देखिएगा, जब हम अंदर सांस लेते हैं पहली बात हमारी चेस्ट ऊपर तो आती है जिसको मैं कह रहा हूं रेज, साथ से हमारी चेस्ट आगे भी जाती है, दो काम हो रहे हैं। सांस लिया गई, रेज हुई, सेकेंडली चेस्ट थोड़ा सा आगे भी मूव करती है। अब हमारा मकसद ही क्या है काम करने का, असल में हम क्या चाह रहे हैं कि हमने हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसमें जगह बढ़ानी है। उसका क्या मकसद है? जब जगह बढ़ेगी तो लंग्स पे प्रेशर कम हो जाएगा, जब लंग्स पे प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा होगा, लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम होगा और जगह हमने उसको पहले प्रोवाइड कर दी है। इससे क्या होगा? रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो रेज करती है, ठीक राइज करती है, ऊपर हाइट पे आती है, सेकेंडली थोड़ा आगे मूव करती है। ये तो थी सिर्फ रिब्स की बात, अब हम चलते हैं बच्चे की तरफ जिसके मैं आपके साथ पहले जिक्र कर रहा था। उसका क्या फंक्शन है? डायफ्राम किधर लोकेटेड है? लंग्स के नीचे। अब वो कहता है एट द सेम टाइम, बिल्कुल इसके साइड बाय साइड क्या हो रहा होगा? डूम शेप्ड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इज लोड, ये इसकी शक्ल ऐसे है गुंबद नुमा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। देखें अब आप चलें स्लाइड की तरफ, ठीक है बच्चे स्लाइड की तरफ चलते हैं दोबारा। अब क्या होता है ये इस तरह डूम शेप रिब्स के, ये ऊपर इसके रिब्स हैं इस पोर्शन में, ठीक है इस तरह करके ये इनके अंदर थोड़ा सा
क्या हुआ है? अब क्या करता है, ये जो डायफ्राम है इसकी शक्ल है गुंबदनुमा सॉल्यूशन का, डोम शेप। अब ये क्या करता है बच्चे, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट किया नीचे आ गया। अब चेस्ट कैविटी में और जगह इंक्रीज होगी, जगह इंक्रीज होगी, उसका हमें फायदा क्या है? फायदा यही है कि हमने चेस्ट कैविटी में ज्यादा से ज्यादा जगह बनानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और लोअर हो गया, मतलब कि उसने अपनी हाइट नीचे कर ली, क्योंकि पहले ऐसा था कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो बिल्कुल फ्लैट हो गया, उसकी हाइट नीचे चलेगी, जगह ज्यादा बन गई। ठीक है, एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में जो अभी हमने दो काम किए हैं, रिब्स मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, रिब्स को राइज किया, रिब्स को हम थोड़ा आगे लेके गए, सेकेंडली हमने डूम शेप्ड को कम कर दिया। किसकी डूम शेप्ड को? डायफ्राम की। इन द रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या होता है, लेट मी ओपन योर स्लाइड्स। दिस इसकी वजह से होता क्या, द लंग्स एक्सपैंड, इसके से लंग्स एक्सपैंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर प्रेशर हो गया, अभी बच्चे कम, उनके पास जगह आ गई है ज्यादा, अंदर लंग्स के जो एयर का प्रेशर है वो कम है एज कंपेयर टू एयर का प्रेशर आउटसाइड एनवायरनमेंट में। तो बच्चे एक एक कॉमन सा रूल हम देखते हैं कि पानी को भी देखें, वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है। इसके रिजल्ट में क्या हमें फायदा होगा, जो एयर है वो रश इन करेगी हमारे लंग्स की तरफ, और लंग्स को हमने जगह दी ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम एयर लंग्स तक पहुंच सके, मैक्सिमम ऑक्सीजन एनवायरमेंट से हासिल कर सके। एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपैंड करेंगे एंड द एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीजेस, उनमें जो एयर प्रेशर है लंग्स में वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। द एयर फ्रॉम आउटसाइड, एनवायरमेंट की एयर है बाहर हमारी बॉडी से, रशेस इन टू द लंग्स, आउटसाइड एयर रशेस इन टू द लंग्स, जो बाहर की एयर है वो जल्दी से तेजी से हमारे लंग्स की तरफ आती है। वजह क्या थी? लंग्स में डिक्रीज प्रेशर ऑफ एयर टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड, ताकि दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो जाए, और ये चीज हमारे लिए फायदेमंद साबित हुई। हम एयर को अंदर लेंगे, अब हम उससे ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन लेकर हम उस ऑक्सीजन को अपने सेल्स को देंगे ताकि वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर सकें। अब बच्चे टाइम आ गया है कि ऑक्सीजन को हमने ले लिया, यूटिलाइज कर लिया, रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन में हमने ग्लूकोज को तोड़ा, एनर्जी ली। अब टाइम आ गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है, अब कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, अब हमने उसको बाहर बॉडी से निकालना है। इसी लंग का सहारा लेंगे, इसी प्रोसेस का सहारा लेंगे, और एक्सहेल देखते हैं अब हम कैसे करते हैं। सेकंड स्टेप है बच्चे एक्सहेलेशन, आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जो एक्सपायर्ड एयर है उसको हमने एक्सपायर्ड इसलिए कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे काम की नहीं है, अब टाइम आ गया उस एक्सपायर्ड एयर को बॉडी से बाहर लेके जाने का। द रिब्स मसल्स रिलैक्स, पहले रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे ना, अब क्या होंगे? रिब्स के मसल्स रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होने से क्या होगा? रिब वापिस नीचे जाएंगी और पीछे जाएंगी। अब देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता किस तरह चल रहे हैं कि हमने लंग्स पे प्रेशर लगाना है, उससे दोनों तरफ से उस पर प्रेशर लगाएंगे तो एयर को बाहर एक्सपेल कर देगा। पहला काम तो हुआ कि रिब्स के मसल रिलैक्स हो गए, उसकी वजह से क्या हुआ, रिब्स वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ रहे। दूसरा काम, वो जो डूम शेप था वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, अब वो भी रिलैक्स होने जा रहा है, देखते हैं आगे। द डायफ्राम मसल ऑल्सो रिलैक्स, डायफ्राम का मसल भी रिलैक्स होगा, उससे क्या होगा, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होकर स्ट्रेट हो गया, तब जब रिलैक्स होगा वापस ऊपर, अब ये भी डूम शेप्ड हो गया, अब ये दोबारा प्रेशर लंग्स पे लगाना शुरू कर देगा। द डायफ्राम मसल ऑल्सो रिलैक्स एंड इट गोज इट गेट्स इट्स रेस्ड डूम शेप्ड, और वापिस इसने जो इसकी एक गुंबदनुमा शेप थी इसने वापस अपनी अटेन कर लिया। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि लंग्स पे लगेगा प्रेशर,
और जब उन पे प्रेशर लगे वो एयर को बाहर एक्सहेल करेंगे. दिस रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी. जारी बात है, जब दोनों मसल कंट्रैक्ट कर गए, चेस्ट कैविटी में रिब्स अपनी जगह पे आ गई, उसने अपनी जगह वापस डायफ्राम ने ले ली, तो रिब्स चेस्ट कैविटी में जगह रहेगी कम, ठीक है, एंड इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन लंग्स. इवेंचुअली में हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम लंग्स पर प्रेशर ज्यादा लगाना चाह रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमने एयर को उससे अब बाहर की तरफ भेजना है. जस्ट लाइक एक स्पॉन्ज होता है, ठीक है, एक स्पॉन्ज होता है, जब हम उसको डुबाते हैं पानी में रख के, उसको जब डुबाते हैं तो पानी बाहर निकालता है, जैसे हम उसको छोड़ेंगे वो पानी वापस अब्सॉर्ब करेगा. तकरीबन वैसा ही ये सीन है. दिस रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स. द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी कॉन्ट्रेक्शन के सिलसिले में मजीद क्या होता है, एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम. लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एयर को बाहर एक्सपेल कर देते हैं, और क्या होता है कि इवेंचुअली एयर एट द एंड थ्रू हमारे नोस्ट्रिल्स नोज वापस एनवायरमेंट में, एक्सपायर्ड एयर है. अब बच्चे एक चीज है कि हमारी बॉडी को कब पता चला कि अभी सांस लेना है, इतने टाइम से लेना है, सांस तेज लेना है, सांस आहिस्ता लेना है, कैसे पता चलता है? अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन में कंट्रोल सेंटर लगा दिया, उसको आप ये भी कह सकते हैं रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर भी आप कह सकते हैं. असल में जो चीज ब्रीदिंग कंट्रोल कर रही है ना बच्चे, वो ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है. जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है ना, तो वो जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल है हमारे ब्रेन में वो एक्टिव हो जाता है. वो लंग्स को ऑर्डर करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, अब एयर को एक्सहेल कर दे, बाहर एक्सपायर को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दे. तो कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की है वो सारी इस गेम को कंट्रोल कर रहा है. अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ. बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा, नॉर्मल आदमी को हम आगे पढ़ने भी जा रहे हैं, 16 टू 20 टाइम्स ब्रीदिंग रेट है एक मिनट में एक नॉर्मल इंसान का. अब कंसंट्रेशन बॉडी में नॉर्मल थी कार्बन डाइऑक्साइड की, हम सांस आहिस्ता आहिस्ता ले रहे थे. अब क्या एक्सरसाइज उसी इंसान ने शुरू कर दी, अब क्या होगा कि उसके मसल्स ने काम करना शुरू किया, मसल्स काम ज्यादा कर रहे हैं तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज्यादा चाहिए. ऑक्सीजन की सप्लाई अगर ज्यादा चाहिए तो रेस्पायरेशन ज्यादा तेज हो रही है, जिसके मकसद ये है, जिसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ब्लड में ज्यादा होती जा रही है, तो रेस्पिरेटरी कंट्रोल जो है ब्रेन में वो देखेगा और कहेगा कि ब्रीदिंग का रेट फास्ट कर दो, क्योंकि और तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में ज्यादा होती जा रही है, प्लस हार्ट बीट क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्यों? क्योंकि हार्ट का काम तो ब्लड पंप करना, और ऑक्सीजन हर एक सेल तक किसके थ्रू जाती है? ब्लड के थ्रू. हीमोग्लोबिन है ना, रेड ब्लड सेल पे जो होती है, जो ऑक्सीजन को ले जाती है हर सेल तक. तो जल्दी पहुंचानी है ऑक्सीजन, ज्यादा पहुंचानी है, तो इसलिए हार्ट बीट भी तेज हो जाएगी. अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कोई चीज अगर रहेगी उसको एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं बच्चे. आज वो कहता है आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स. अच्छा, वो कहता है ह्यूमंस ब्रीथ 16 टू 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. एक नॉर्मल कंडीशन में जब एक रेस्ट पोजीशन पे वो एक्सरसाइज एक ह्यूमन नहीं कर रहा, तो उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो 16 टू 20 टाइम्स है, ठीक है. द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन. जो हमारा ब्रीदिंग का रेट है, जो हमारे ब्रीदिंग की स्पीड है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारे ब्रेन में एक, जिसकी अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लगा दी कि उसने हमारी ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल करना है, उस पर चेक एंड बैलेंस रखना है. ये सारा काम इसके अंडर है. द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन. द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड.
जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर उसके बारे में बड़ा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि चीज हमें चाहिए नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए ही नहीं, हमारे लिए नुकसानदेह भी है, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। व्हेन वी डू एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, और सम हार्ड जॉब एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई हार्ड जॉब करने लगे हैं, और मसल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट, एक नॉर्मल रेट से जब हमने एक्सरसाइज ज्यादा की तो मसल्स को भी काम ज्यादा करना पड़ा, इसके लिए रेस्पिरेशन ज्यादा, रेस्पिरेशन ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन ज्यादा तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी ज्यादा मिकदार में चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए, इसका मतलब है रेस्पिरेशन भी ज्यादा हो रही है, रेस्पिरेशन ज्यादा हो रही है इसका मतलब है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी तो इसका मतलब हमें ब्रीदिंग ज्यादा तेज करनी है, ज्यादा जल्दी करनी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ला सके, ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन कर सके, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट कर सके बॉडी से। ठीक है बच्चे? अब वो कहता है द रेस्पिरेटरी सेंटर्स टू कंसंट्रेट ब्लड, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, मसल ने ज्यादा काम किया, ज्यादा रेस्पिरेशन हुई, तो एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनी, स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन, और वो करेंगे क्या, जो हमारे ब्रेन में एक रेस्पिरेटरी सेंटर बैठा हुआ ना, जो उसको कंट्रोल करेगी, वो इसको सेंस करेगा और फिर वो इसे अभी कंट्रोल करने जा रहा है। द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड्स मैसेज टू द रिब मसल्स एंड डायफ्राम टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग सो दैट एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ बॉडी। वो इमीडिएटली एक्शन लेता है, कौन? रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन एक्शन लेता है हमारे रिब्स के मसल्स को और हमारे डायफ्राम को, वो ऑर्डर भेजता है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का रेट जो है, जो स्पीड है, उसको तेज कर दें ताकि हम ब्रीदिंग तेज कर सकें, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी बाहर निकालना है, वो ज्यादा मिकदार में, और ऑक्सीजन को ज्यादा अंदर ले लेना है। डिपेंड जो बेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क द ब्रीदिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम पर मिनट, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन क्या हम काम कर रहे हैं और क्या नहीं। अब बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा आपको इंट्रो देता चलूंगा, उसको कंटिन्यू हम कल करेंगे। जो नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर क्या चीज होती है? किसी भी चीज का खराब हो जाना, कोई मैकेनिकल चीज है, गाड़ी है, उसका इंजन कोई फॉल्ट आ गया, खराब हो गया, ये डिसऑर्डर है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारा एयर पैसेज वे है, इनमें क्या मसला पैदा होता है, डिजीज देखेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें कॉज करती हैं, उसका कॉज देखेंगे, उसके सिम्टम्स देखेंगे, उसका क्योर देखेंगे, उसकी प्रिवेंशन देखेंगे, ठीक है। इन सब डिजीज को हम कल डिस्कस करने जा रहे हैं, और इन डिजीज के हमने क्या क्या देखना है, इनका कॉज, इनके सिम्टम्स, इनका क्योर, इनका ट्रीटमेंट, ठीक है, ये हम करने जाएंगे। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मैंने आपको बता दिया क्या, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी किस्म का कोई मसला है उसको हम कहेंगे इट्स अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है बच्चे। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, और इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद करता हूँ मोमेंटम गेन करके, और हम इंशाल्लाह ऐसे चलेंगे, एक चीज को एक्सप्लेन करने में 15-20 मिनट भी लग जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चीज को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को देखना है। बुक वाले ने अगर एक वर्ड लिख दिया है डूम शेप, तो हमें देखना है, जानना है कि उसने ये क्यों लिखा है डूम शेप, उसकी जगह कोई और वर्ड भी तो यूज कर सकता था ना, नहीं किया उसने, ये वर्ड ही क्यों यूज किया, हम समझेंगे उसका मकसद समझेंगे, और बायोलॉजी को इस तरह पढ़ेंगे कि हमारे उसका दिल लगा रहे, हमें शौक पैदा हो जाए, हमें इंजॉय करें बायोलॉजी को पढ़ना। बच्चे अल्लाह हाफिज़।